अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें। और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। श्री वाहिगुरु साहिब जी, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अकतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन मन, जन को पूरन दीजे। हाँ बल बल जाऊं रमैया कारनी, कारण कबनिया बोलो रहा, बहुत जन्म विसरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे, कह रवदास लग जीवा, चिर भयो दर्शन देखे। गोविंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड दाम को शिपरो होयो लखीना, तनना बुनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जुलाहरा पायो गुनी गहीरा, रुदाट बंता टोर नीते चागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया, सैन नाई बुत कारिया कर कर सुनिया, हृदय वसिया पर ब्रह्म भगता मैं गनिया, ए विद सुन के जाट राठ भक्ति लागा, मिले प्रताप बसैया धन्ना बड़ भागा। बड़े भाग हैं समूह संगतां दी जो कि चखड़ चांगी मीह वरसै भी गुर देखण जाई, वास पै रही है सो प्रेमी जन गुरु दरबार दिया अथवा महापुरुषों के तपस्थान दिया हाजरिया भर के गुरु घरों महापुरुषों पासों खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। बड़भागी साध संग प्राप्त तीन भेट तो दुरमत खोई, सतगुरु जी कहते ने मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया, सत संगत विच आके गुरु दे वचन नूं श्रवण करके सुनिया मन्निया मन कीता भाव अंतरगा तीर्थ मल नाव, जिन्हां ने सुनिया है मन्निया है उन्हां नूं परम पदवी प्राप्त हुई है। सच्चा अमर सच्ची पातशाही, सच्चे सेती राते, सच्चा सुख सती वड़ियाई जिसके सेतन जाते। महापुरुषों की याद नूं मुख रखदे जिन्हां ने परमेश्वर की बंदगी करके नाम जप के उस परमेश्वर नूं पाया है, जिहड़ा कि हर एक जीव नूं यह हुक्म है गुरु महाराज जी का, या जग में एक एक आया
एक परमेश्वर का नाम जपण वास्ते जीव ने मनुखा जन्म आना किया है। सतगुरु जी कहते ने लख 84 जौन सवाई मानस को प्रभ दी वड्याई इस पौड़ी ते जो नर चूकै सो आए जाए दुख पाए जा। कहते ये बत लगी सच्चे नाम की ये मनुखा जन्म जड़ा है ते सांस संगत नाम जपण वास्ते मिलिया है। ये नाम बीजन की वत है कुरता बीज बीजे नहीं जामे जिमें कहते धरती वत लगी है जे समय सिर बीजा जावे बीज ते उसास प्रफुल्लित हो जाता है जे रुत लंघ जावे ते साह संगत वह बीज बीजा उगदा नहीं है। इस करके साह संगत एक कहते राजे का महल बनाया होया सी उस महल दे दरवाजे जिहड़े सन 84 सन उन्हां दे विच इक अंधा प्रवेश कर गया। साह संगत हुण उसनूं बाहर निकलदा ते साह संगत कोई तरीका नहीं लभदा क्योंकि 84 दरवाजे बंद हन एक दरवाजा खुला सी। ओ साह संगत करलाट कर रहा है। साह संगत किसी ने आवाज सुन के उसनूं कहना कीता कि भाई इस महल दे 84 दरवाजे ने इन्हां विचों एक दरवाजा खुला है तू कंध दे नाल हाथ ला के तुरिया चल जिथे दरवाजा खुला आवेगा उत्थे दी तू बाहर हो जावी। सो इस करके साह संगत उसने इसे तरह किया कंधे नाल हाथ ला के तुरना शुरू कर दिता। जदों खुला दरवाजा आया ते साह संगत उसके सिर ते खाज होने लग गई और खाज करन लग पिया ते साह संगत तो दरवाजा जिहड़ा खुला सी ओ फिर साह संगत उसनू 84 दे चक्करां च पैना पै गया। इस करके सतगुरु जी गुरबाणी विच कई जगह ते ऐसा दसदे ने कि ये जीव नू ये मनुखा जन्म दे विच नाम जपण दी जिहड़ी वत है इसनों संभालना चाहीदा है। सतगुरु जी आशीर्वाद दे सकबे च आपां श्रवण करदे आ जिनी ऐसा हर नाम ना जपियो कहिंदे सेवियो से काहे जाके आए राम राम जी ओ मानस जन्म दुलंभ है नाम बिना बिरथा जब सब जाए हुण वत्ते हर नाम ना बीजो अगे भुखा क्या खाए मन मुखां नूं फिर जन्म है नानक कर पाए। सो इस करके साह संगत ये जो वेला है मनुखा जन्म उस परमेश्वर नूं ते साह संगत पाउण वास्ते प्राप्त करन वास्ते मिलिया है ते सतगुरु जी कहिंदे ने कि परमेश्वर का नाम जे जपना है तो एक छोटा जिहा तेरे ते भरम पिया होया है पंभीरी के पात पर दो बिन पेखे तू रायो भरम दा ते साह संगत पढ़दा जिहड़ा है ये जीव ते पिया है। दुनिया दे विच आ के जीव संसारी धंधियां दे विच निरापुरा साह संगत रुस जांदा है। इस करके उस परमेश्वर दा नाम जिहड़ा है उसनूं भुला दिंदा है ते जिहड़े साह संगत सतसंगी ने सतसंगत करन दे भी साह संगत कई गुण हुंदे ने। हुण आवाज़ बहुत आ रही बीबियां विचों चुप करके सरमण करना चाहीदा है सावधान एकाग्र चीत जे असीं सारे जाने एकाग्र हो के बैठांगे ते साह संगत जिहड़े विच सुणदे चाहवान ने उह भी साह संगत वांझे रह जांदे ने। इस करके बेनती है कि भाई चुप करके बैठो भावां दास कोई ज़्यादा गुणी ज्ञानी नहीं है ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਘੜੀ ਆਧੀ ਨੂੰ ਸੇ ਆਦਿ ਭਗਤਨ ਸੀਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕਿ ਨਿਉ ਸੋ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ
कड़ी अद्धी कड़ी अद्धी तो अद्धी जे सावधान होके परमेश्वर का नाम जपिया जाए ना वह भी सत्संग साढ़े कहिए कि हिरदे घर घर जाता है क्योंकि गुरबाणी सारी ही मिश्री तरह है कोई पंक्ति पढ़ लवो सारे साढ़े भले वास्ते है इस करके सात सिंह धारना पढ़नी है भगत रविदास जी सारे जने बोले और समा हो चुका है एक धारना पढ़ के अपनी समाप्ति कर देनी है। प्रभु मोहे ना विसर जी मैं जन तेरा प्रभु मोहे ना विसर जी मैं जन तेरा प्रभु मोहे ना विसारो जी मैं जन तेरा प्रभु मोहे ना विसारो जी मैं जन तेरा सारो जी मैं जन तेरा मेनु मोहे ना विसारो जी मैं जन तेरा 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 सो अनक बोलदे कौन कोई भुल गलती सो महाराज साध संगत बख्शन योग है आओ महापुरुषों के चरणों का प्यार है महापुरुषों के दर्शन करने वास्ते आईदा है सो अगे भी कई बार आए हम सो ऐत की बेनती की महापुरुषों नूं कि थोड़ा बड़ा कीर्तन कथा कर लीदा है महापुरुष कहन लगे भी ऐत की जरूर आयो सो उन्होंने हुक्म अनुसार हरियां भरियां ने सो बुलाओ जी फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह बिरड़ा जय मुख निग सराम तिनके भक्ति पहनी मेरे तन को चाम मेरे तन को जाम हर सा हीरा छाड़ के करे आन की आस तेह नर दोजिक जाएंगे सत पख हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमार गहना हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा
चरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा बहना हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की संतन से बन आई पूर्व दिया पाई हम संतन से बन आई पूर्व दिया पाई हे मन तेरा पाई हे मन तेरा तेरा भाई हम संतन के रेन प्यारे हम संतन के रेन प्यारे हम संतन की सरना हम संतन की सरना संत हमारी ओट सतानी संत हमारा कहना हम संतन के रेन प्यारे हम संतन के रेन प्यारे अरे इन कहंदे ने कदमां दी मिट्टी नू लेकिन कह कौन रहे ने गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर सतगुरु पंचम पातशाह जी तन तन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हुए दुनिया के लोगों असि इन संतान के कदमों की धूड़ हाँ रेन कहते ने धूड़ ते गुरु की संगत जी सच जानो क्योंकि समा तो है नहीं जे कि संत का दयालता हो जाए और संत के कदम परस हो जाए तो गुरु की संगत की बादशाहियां मिल जांदियां ने सच्ची गल है जिहड़ी धरती ते आपां बैठे हाँ एक इन्हां दे बजुर्ग ने ध्यान दिओ गुरमुख प्यारे पढ़े लिखे बैठे ने इस धरती के उपर हिंदुस्तान की धरती के उपर सत बादशाहियां और संतां की सेवा करके लईयां ने तो गुरु की संगत की एवें नहीं पंचम पातशाह जी ने कह दिता वो एक बच्चे ने बाहर बकरियां चारदे ने एक साध नूं भोजन छकाया सी ना ते साकी आ लंबी क्योंकि समा नहीं वो बच्चा सी ते मां सी बच्चे नूं बकरियां चारन भेज देना एक दिन बकरियां चारदे ते कोल साध आ गया ते बच्चे दे कोल कुछ नहीं सी साध ने आके आख्या भई बेटा बच्चा सानू भुख लगी हुई है सानू कुछ छका पर बच्चे दे कोल तो कुछ नहीं सी ते मां ने बकरियां भी लोगों दी लैके दित्तियां सी वे चारला मजदूरी लै लिया करांगे तो साडी पेट पूर्ति हो जा करेगी महापुरशां ने आख्या फकीर ने आख्या नहीं असी भोजन जरूर छकना है भुख लगी हुई है बेटा कोई उपराला कर कोई चारा कर कोई हिम्मत कर कहंदे बच्चा घर गया मां नूं जाके दस्या लेकिन मां ने जदों वेख्या कि मेरा सीधा जिहा पुत्तर ते बकरियां तों बगैर ही आउंदा है कहन लगी पहा वे पुत बकरियां कहन लगा मैं ध्यान देना कहन लगा मैं बकरियां बेटा छोटा जिहा निर्मल आत्मा का पुत्र बच्चा सी कहन लगा मां मैं एक साधु के कोल बकरियां संभाल के आया उन्हें रोटी की फरमाइश की है मां ने भी रोटी बनाई नाल ही तुर पे बड़ी लंबी साकी है बह गया संत के कोल आप भी बच्चा ते मां भी बह गए ते संत हुण प्रशादा छकदा है ते मां घर दे रंडी रोने रोण लग पे रंडी रोने की रोंदी कि बाबा जी साडे घर गरीबी बड़ी है साडे ते कृपा करो कहंदे साध ने भोजन छक के वो जिहड़ी बकरियां दी संगली पई सी कोल
वो संगली नू बट दे के लै लिया ते बच्चे की बांह फड़ ली। वो बच्चे की बांह फड़ के साध ने संगलियां मारनिया शुरू कर दीतिया गिनिया कहते चार पांच छे ते सत तक जेले गया ते मां ने बांह फड़ ली कहन लगी ये तां कुछ कमला जिहा फकीर है। मां कहन लगी बस बाबा जी साध ने आख्या बस कहन लगे हां कहना जा तेरे पुत्र नू सत बादशाहियां दित्तिया। वो ध्यान दो गुरमुख प्यारे हवा च तीर नहीं ये मैमूर तुंग उहदा बाप सी जिहदा जहां पुत्ता बाबर आया साडी हिंदुस्तान की धरती के उपर ध्यान दो सत बादशाहियां बाबर आया अकबर आया शाहजहां आया जहांगीर आया उस तो बाद दारा सकोह विच आया और सत फिर उस बाद औरंगजेब ने राज किया और सतवां बादशाह होया बहादुर शाह जफर। इतिहास में पढ़ के वेखो एक साध नूं छकाया प्रशादा और हिंदुस्तान दीआं सत बादशाहियां दे दित्तियां। एवें ना सोचा करो कि साध नूं मत्था टेकिया ते विकार दे विच चले जाणा नहीं। गुरु की संगत जी पतित पावन हर बिरद है एक तिल नहीं भन्ने घाले वो साध नूं मत्था टेकिया ते दरगाह दे विच सिद्धा ही जांदा तो रहो विचार इस शब्द की संपूर्णता करके क्षमा की जाति होना है क्योंकि समा नहीं। इच्छा पूर्क सर्व सुख दाता हर जां के बस है काम धेना सो ऐसा हर त्याय मेरे जी अड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मां चल गए साध का तरणाए हो संसार पार ब्रह्मिया रदिये उतरे सब पजवार संत संदर लेवा देवी संत ने सों व्योहारा संत ने सों हमला काट्या हर भगत परे भंडारा हरि भगत परे भंडारा हम संतन के ऋण प्यारे हम संतन के ऋण प्यारे हम संतन की सरना हम संतन की सरना संत हमारी ओट सतानी संत हमार गहना हम संतन के ऋण प्यारे संतन मौका पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा संतन मौका पूंजी सौंपी आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसाद ओ नानक हर स्यों मन मानिया रंग रते बिस्माद रंग रते बिस्माद हम संतन के रेल प्यारे रेल प्यारे। गुरु की संगत जी मैं बेनती करा ज्यादा समय ना लवां भाई अतर सिंह जी 108 संत बाबा पूजे गुरदेव 108 संत बाबा नारायण दास महाराज संत बाबा अमरदास महाराज के नाते जो नेत्रहीन बदियाला चल रहा है मालपुर उन्होंने बच्चों को बेनती है आदर सत्कार सर मंच से और जो कि भाई अतर सिंह जी वो भी ब्लाइंड ने तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे है जोड़े उन्होंने को पढ़ते हैं विद्या लेंदे ने संगीत सीखते ने खेड़ा खेड़ते ने सारा कुछ उत्थे
सिखलाई दी जाती है स्कूल के विच, तो उन्होंने बाल विकास से बेनती है जगत में।
बीबे कुलदीप कौर जी मैंने तो 108 संत बाबा जसवंत सिंह जी नैकी वाले 108 संत बाबा मक्खन सिंह जी टूटो बजारा 108 संत बाबा बलवीर सिंह जी टूटो बजारा शास्त्री जी 108 संत भागी दास जी उन्ने वाले 108 संत बाबा सतनाम दास जी खन्नी वाले 108 संत बाबा धर्मपाल जी शेरगढ़ तो वो आए ने आते जी हाँ जी चरणा दे विच विराजमान प्यारी सात संग जी गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा श्री वाहे गुरु जी की फतेह। 108 संत बाबा नारायण दास जी महाराज गुरु अमरदास जी महाराज और साढ़े दरम्यान विराजमान संत रामकृष्ण जी महाराज संत रमेश दास जी महाराज होर महापुरुष पहुंचे ने सारे जी आया तो समा घट है जी तो सिर्फ 5 मिनट हाजिरी भरेंगे उस तो बाद खेमा के जाच खो जाना और अज असं जिस कार्य लिए एकत्रित होए हैं कि अज असं अपने सतगुरु को श्रद्धांजलि देने अपने गुरु महाराज की बरसी से उन्होंने निकी श्रद्धांजलि देने असी एकत्रित होए हैं तो वह जी गल कि एक सेवक उन्हों की मां एक उन्हों का भगत सतगुरों की याद के उन्होंने याद कर रहे अखा के अथरू वग रहे हैं और उन्होंने दर्श की प्यास के रो रहा कुरला रहा उन्होंने आवाज मार रहा है कि लकड़ी की तरह सड़ रहा मैं गुरु महाराज जी मैं दर्श दौ मैं दीदार दौ तो वो भगत वो सेवक गुरु महाराज ने की कर रहा है गौर फरमाओ हाँ।
गई जूरा मैं तपड़ी की ऐसी सड़ी ना कोला रही नारा दीदार तेरे नू अखियों तरस जे तेरी किते दीद हो जावे मेरे सीने ठंड पै जा। तो गुरु महाराज जी उन्हां दा सेवक की कह रहा है सानू दे जाओ दीदार एक बार गुरु जी सानू दे जाओ दीदार एक बार गुरु जी तेरे चरना चाहिए हो पर याद गुरु जी सानू दे जाओ दीदार एक बार गुरु जी सानू दे जाओ दीदार एक बार गुरु जी तेरे चरना चाहिए हो पर याद गुरु जी रो लो बाजा तेनू मारा आज सुन ले पुकारा तेनू मारा आज सुन ले पुकारा निर्णा बिचो बगे बेशुमार गुरु जी सानू दे जाओ दीदार एक बार गुरु जी तेरे चरना चे हो परे याद गुरु जी सानू दे जाओ दीदार एक बार गुरु जी तेरे चरना चे हो परे याद गुरु जी निकल ना जाने सवार गुरु जी सानू दे जाओ दीदार एक बार गुरु जी तेरे चरना चे हो भरे यार गुरु जी सानू दे जाओ दीदार एक बार गुरु जी तेरे चरना चे हो भरे यार गुरु जी पुछ जावो मेरा या के हाल गुरु जी सानू दे जाओ दीदार एक बार गुरु जी तेरे चरना चे हो परे याद गुरु जी सानू दे जाओ दीदार एक बार गुरु जी तेरे चरना चे हो परे याद गुरु जी ओ मेरी जिंदगी दी ना सहारा कोई हो रे ना हो रे रण
ਜਿੰਦਰ ਪੁਕਾਰੇ ਰੋਜੋ ਬਜ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਛੋੜਾ ਇਸ ਹਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਇਹ ਹੋ ਪਦਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ ਦੀਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਇਹ ਹੋ ਪਦਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜੋ ਬਜ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁਕਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਜਾਵੋ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਦਾਓ ਦੀਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਇਹੋ ਪਰਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਦਾਓ ਦੀਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਇਹੋ ਪਰਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜਬ ਲਉ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲਉ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਧਾਯੋ ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਡਤ ਥੇ ਕਬ ਹੂੰ ਮਿਟਹੈ ਨਹਿਰੇ ਪਛਤਾਯੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹੈ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਯੋ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨੇ ਗਰਭ ਨਹਿ ਆਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨੇ ਗਰਭ ਨਹਿ ਆਇਓ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੁਇ ਭਲੇ ਏਕ ਸੰਤ ਇਕ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੁਦਾਤਾ ਮੁਕਤਿ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ ਰਾਮ ਜੁਦਾਤਾ ਮੁਕਤਿ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਚ ਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਦਵਤ ਸਮਾਜ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਲਾਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਮੇਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਰੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਆਓ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਕਰੀਏ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਘਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿੱਤ ਕੁਪਕੜ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਜਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਵਿਛੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖ 84 ਭ੍ਰਮਤੇ ਭ੍ਰਮਤੇ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਅਪਾਇਓ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ
ते मनुख जीवन नू पाके तुसी सत्संग विखे भी आए ते जेकर गल्लां दे नाल समां गवा दिता ते इत्थों कुछ नहीं मिलना, इत्थों कुछ लेन वास्ते आए हाँ। लेना की है? सत्संगत विखे जाके नाम का आनंद लेना, नाम का रस लेना। जिहड़े नाम की कमाई करके महापुरख दुनिया दे विच्चों चले गए ना शरीरिक तौर से, लेकिन अज उन्ना दी आत्मा ते उन्ना दा जिहड़ा दस्या होया परोपकार इस दुनिया के अंदर सदा वास्ते अटल है। ते संसार दे लोग उस परोपकार नू याद करके ही आके ना नतमस्तक होके ते मत्था टेक के अपना जीवन दिए दुखां नू खत्म करके ना ते सुख की प्राप्ति करन वास्ते आउंदे हैं। आप जी ने स्टेज सेक्रेटरी बड़े सूझवान ने जिन्हां तों आप जी ने सरवण किया कि जेड़ा भी कुछ भी इच्छा लैके साधुआं कोड़े जांदा गुरु दे कोड़े जांदा, महाराज ने बार बार दसिया कि इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर जाके बस है काम देना, सो ऐसा हर त्याईये मेरे जीड़े ता सर्व सुख पावहे मैंने मेरे मना। सारिया इच्छावां दी पूर्ति करन वाला ना वो परमात्मा दे प्यारे जिन्हां दे वस दे विच चार वस्तुआं परमात्मा दीआं दित्तियां हुंदियां ने, याद रखो। बाणी विखे भी महाराज ने दस्या कि सुर सागर सुरतर चिंतामन काम धेन बस जाकै, काम धेन गऊ कल्प ब्रिछ, ते ए चार चीजां जिहड़ियां ने ना ए परमात्मा दे वस ने, ए मिलदियां किनू ने? मैं एक गल दसा, ये किसनू मिलदियां? ये मिलदियां उन्हूं है जिहड़ा परमात्मा नू याद करदा परमात्मा दा सेवक बन जांदा, उन्हूं ये चारे पदार्थ मिल जांदे ने। आपां रोज पढ़दे जरूर हाँ, सुनदे भी हाँ, लेकिन अमल नहीं करदे। सुखमनी साहिब विखे महाराज ने दसिया चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै, जे को अपनी शोभा लोरै साध संग ये हउमै छोड़ै, जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरनी परै, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा। जिन्ना नू दर्शन दी परमात्मा दे प्यास सी ते जिन्ना ने परमात्मा दे दर्शन कीते ना, गुरु नानक पातशाह जी कहिंदे ने उन्हां दे सदा वास्ते मैं बिहार जांदा वां। ए दर्शन की दा की ने ते होए की नू? अज जिन्ना दे महापुरखां दी याद विखे बैठे हां ना, उन्हां महापुरखां ने रब दे दर्शन कीते। महाराज ने बाणी विखे दस्या कि हर हर जन द्वे एक है बिब विचार कछुनाए, परमात्मा ते परमात्मा दा सेवक इन्ना दे विच कोई भेद भिन्न नहीं है। किस तरीके जिमें महाराज दसते ने जलते उपज तरंग ज्यों जल ही विखे समाए, पानी दियां लहरां नूं देखण नूं दो लगदियां लेकिन लहर जदों खत्म हो जांदी ते वह पानी दा ही रूप बन जांदे ने। इसे करके जिहड़े संत ने रब दे प्यारे ना वो परमात्मा दा ही रूप हुंदे ने, दुनिया विखे आके किसी ना किसी तरीके ना थानू रब दे नाल जोड़न वास्ते आउंदे। उन्हां दे विच्चों सचखंड वासी बाबा नारायण दास जी महाराज, सचखंड वासी बाबा अमरदास जी महाराज, जिन्हां ने जीवन काल दे विच रब दी प्राप्ति करके ते दुनिया नू रब दे रस्ते लाया, अज उन्हां दी याद नू ताजा करन वास्ते आपां इकत्तर होए हाँ। सो गुरु के प्यारियो, सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी यही एक गल दसी है, अरदास भी असी करते हाँ, पढ़ते भी हाँ ते सुनते भी हाँ, लेकिन अमल उही करते ने जिन्हां नू गुरु रविदास तक प्यार है। गुरु रविदास जी कहिंदे ने हर वक्त आपां सरवण करते हाँ कि हर सो हीरा छाड़ के करह आन की आस, ते नर दोजक जाहिंगे सत्य भा खै रविदास। सत्य कहिंदे ने जिहड़ा सदा अटल होवे, सत्य वो परमेश्वर का नाम है। हरी रूपी नाम दे हीरे नू छड़ के जिहड़ा मनुख ना होर चीजां दी आस करके दुनिया दे विच फिरदा ना, ते गुरु रविदास जी आखदे ने ना कि वो ते नर दोजक, दोजक कहिंदे ने नरक नू, वो मनुख नरकां दा अधिकारी हो जांदा है। कारण नरक उहनू कहिंदे ने कि जम जम मरे मरे फुर जमे, समा सीमित है, जम जम मरे मरे फुर जमे, बहुत सजाए पया देस लम्मे,
जिन कीता तिसे न चेते प्राणी तां दुख सहाय प्राणी आ, जिस परमात्मा ने भेजिया उनू याद नहीं कीता, इस करके दुखां दे समुंदर तो मनुख दा कदे जीव आत्मा दा पार उतारा नहीं हुंदा, जम्मन मरण दे गेड़े तो पार उतारा फेर ही होऊगा। जे महापुरखां दी संगत करके उन्हां दे बचन ते अमल करंगे ते अपने हिरदे अंदर वो बचन नू कमावंगे ना, ते सतगुरु कृपा करके साडा जीवन लेखे विच ला लैणगे। मैं साखियां ते होर प्रमाण सुनाउण दा समां नहीं है, बड़े बड़े वड्डे वड्डे विद्वान बैठे ने, ये ना सोचो कि ये साधुआं दे अंदर कुछ है नहीं, जेकर स्टेज ते नहीं बोलते तो उन्हां दा तप बहुत है। इस स्थान दे बाबा राम किशन जी महाराज जिन्हां दा दास 30 साल तो देखदा तप, इलाके दे जिन्ने जानवर ने ना पंछी गऊ इत्यादि कोई भी है सारिआं नूं ओ जाके मेरा ख्याल है नित दा उन्हां दा निजम है कि उन्हां नूं रिजक लैके जाके दिंदे ने कि कोई जानवर भी साडे इलाके दे अंदरों भुखा ना रहे, कोई जानवर पंछी भी इलाके दे विचों भुखा ना रहे। ये बहुत बड़ा परोकार है। इस करके गुरु के प्यारे हुए मिलिया कित्थे, इन्हां नूं मिलिया बाबा नारायण दास सचखंड वासी महापुरखां दे कोलों, इन्हां नूं बाबा अमरदास जी दे कोलों प्रेरणा मिली। इस करके बड़े बड़े वड्डे विद्वान ने, बड़े तत्वेता महापुरख बैठे ने। दास तां इन्हां साधुआं ते महापुरखां दे चरणां दी धूड़ी लैण वास्ते आउंदा कि किते इन्हां दी दृष्टि पै जावे ना, ते अल्प बुद्धि है साडी, साडे उत्ते इन्हां दी निगाह पै जावे ते साडा भी जीवन गुरु दे चरणां नाल जुड़ के ते जीवन जिहड़ा है संसार विखे आउणा सफल हो जावे। इन्हां कुछ कहिंदिआं दास खिमा दा जाचिक है, भुल्लां चुक्कां दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।